सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 16 दिन बढ़ोतरी के बाद बुधवार को राहत मिली, लेकिन किसी मजाक की तरह। लोगों की लगातार गुहार के बाद सिर्फ एक पैसे की कटौती। सरकार ने फिर साफ कर दिया कि या तो लोग सस्ता पेट्रोल ले लें या फिर विकास होने दें। बुधवार सुबह 6 बजे इंडियन ऑयल ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि पेट्रोल की कीमत 60 पैसे घट रही है और डीजल की कीमत 56 पैसे। लेकिन ये ऐलान क्रूर मजाक निकला, क्योंकि पंप मालिकों ने सुबह ही कह दिया था कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ एक पैसे की कटौती करें। बाद में इंडियन ऑयल ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और वेबसाइट पर कुछ घंटे बाद रेट बदल दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ एक पैसे की कटौती एक मजाक की बात है। हर रोज तेल की कीमतें बदलने की मौजूदा व्यवस्था सही नहीं है, उसमें बदलाव होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी एक पैसे की इस कटौती पर तीखा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपने आज पेट्रोल डीजल के दाम एक पैसे घटा दिए। एक पैसा? अगर ये आपका मजाक है तो बचकाना है और अरुचिकर है। पुनः बीते हफ्ते मैंने जो फ्यूल चैलेंज आपको दिया था, एक पैसे की कटौती उसका माकूल जवाब नहीं है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।